चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। सिरसा विधायक गोपाल कांडा की सीएम मनोहर लाल से मुलाकात जारी है। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा सीएम मनोहर लाल से मुलाकात कर रहे हैं। संत कबीर कुटीर निवास पर यह मुलाकात चल रही है। सिरसा से जुड़े मुद्दे को लेकर गोपाल कांडा मुलाकात कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। सिरसा विधायक गोपाल कांडा मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा की यह मुलाकात फिलहाल चल रही है। संत कबीर कुटीर निवास पर यह मुलाकात चल रही है। सिरसा से जुड़े मुद्दे को लेकर गोपाल कांडा मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली में भी सीएम से मुलाकात गोपाल कांडा ने की थी। सिरसा के विकास को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में यह मुलाकात चल रही है। संत कबीर कुटीर निवास पर यह मुलाकात चल रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, ये मुलाकात चल रही है, सिरसा विधायक गोपाल कांडा पहुंचे हुए हैं चंडीगढ़ और सीएम से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ मुलाकात के मायने, कब तक ये मुलाकात चल सकती है, पूरी जानकारी? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर लगातार विधायक गोपाल कांडा मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहते हैं और एक बार फिर आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करने सिरसा से विधायक गोपाल कांडा पहुंचे हैं। वो संत कबीर कुटीर निवास है जहां मुख्यमंत्री का निवास स्थान है और इसके अंदर इस समय गोपाल कांडा मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और सिरसा के अनेकों मुद्दे हैं जिन पर गोपाल कांडा मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय इससे पहले भी मुख्यमंत्री से कई बार गोपाल कांडा ने मुलाकात की है और सिरसा से जुड़े कई अहम विषयों को लेकर लगातार मिलते रहते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा पहुंचे थे तो अनेकों समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष उस समय भी विधायक गोपाल कांडा ने रखी थी और उन सभी समस्याओं के समाधान करने मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई थी और लगातार जब भी सिरसा से जुड़ी कोई भी समस्या आती है तो उनको लेकर सक्रिय जो है नजर आते हैं विधायक गोपाल कांडा, चाहे वो किसी विभाग के काम हो या मुख्यमंत्री के लेवल के काम हो, लगातार वो संपर्क में रहते हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने यहाँ पहुंचे हैं। लगभग 15 से 20 मिनट इस समय हो चुके हैं, अंदर इस समय मुलाकात चल रही है, ठीक है। और कितना और लगेगा मुलाकात में वो देखना होगा। जैसे ही संत कबीर कुटीर निवास से गोपाल कांडा बाहर निकलेंगे तो जरूर हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री इस मुद्दों को लेकर के आज बातचीत की है, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ आश्वासन जो है वो दिया गया है। ठीक है गुलशन, बने रहिएगा हमारे साथ। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? सिरसा विधायक गोपाल कांडा और मुख्यमंत्री की ये मुलाकात चंडीगढ़ में चल रही है। बिल्कुल राजश्री, सबसे अहम बात है कि विधायक सिरसा के हैं गोपाल कांडा, लेकिन वे हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं और एनडीए की एक सहयोगी पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी। तो ऐसे में जब दो नेताओं की मुलाकात होती है तो वो काफी अहम विषय उसमें रखे जाते हैं, उन पर चर्चा भी होती है और साथ साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याएं लगातार गोपाल कांडा पहले भी उठाते रहे हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज का एक मामला है, बाबा सरसाईनाथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज सिरसा में बनने जा रहा है, उसको लेकर टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए जो निर्माण कार्य को शुरू करने का आश्वासन पिछले दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया था और उस समय उन्होंने साथ साथ थेड़ का एक मामला था उसको लेकर भी आश्वस्त किया था कि 200 गज के प्लॉट जो है वो उन तमाम थेड़ विस्थापितों को दिए जाएंगे। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण मसला ये भी है और एक कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है मुख्यमंत्री का जो जनवरी के महीने में होना था, लेकिन श्री राम जो विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है तो उसको लेकर अलग अलग तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ऐसे में वो कार्यक्रम अभी तक नहीं रखा जा सका है। तो ऐसे में निर्माण कार्य शुरू किया जाना है मेडिकल कॉलेज का, उसको लेकर भी और तमाम विषयों को लेकर उन्होंने चर्चा की और साथ साथ देखिए जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसके लिए पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं और विधायक गोपाल कांडा की बात करें तो उन्होंने एक बड़ा आयोजन भी रखा है सिरसा में शोभा यात्रा का और साथ साथ 51,000 प्रसाद रूप में जिसे जो है वो पूरे अपने इलाके में घर घर तक पहुंचाने का रखा है। उसमें 5 दीपक हैं
पांच बाती है और एक माचिस है और एक तेल की शीशी है ताकि लोग अपने घरों में दीप मालिका कर सके, इस दिन को दिवाली के रूप में मना सके। तो यह भी एक कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री से इसकी भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें, देखिए राष्ट्रीय 2024 में का चुनावी वर्ष है और अगले एक दो महीने में ही लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में एनडीए के साथ सहयोगी के रूप में हरियाणा लोक हित पार्टी अपनी कितनी बड़ी भूमिका और किस प्रकार से भूमिका निभा सकती है, क्योंकि देखिए सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पूरा प्रभाव जो है वो गोपाल कांडा अपना व्यक्तिगत तौर पर रखते हैं और लगातार उनकी सक्रियता भी है। तो ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने हैं, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। अब मुलाकात के बाद गोपाल कांडा आकर क्या कुछ सामने रखते हैं वो बातें उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। जी राजश्री, ठीक है अमित जी, बने रहेगा हमारे साथ। गुलशन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितना वक्त बीत गया है इस मुलाकात को, कितना कब पहुंचे थे गोपाल कांडा वहां पर मुलाकात करने के लिए? देखिए बिल्कुल लगभग 4:45 के करीब जो है कबीर कुटीर निवास के अंदर गोपाल कांडा पहुंचे थे और अब 5:06 हो गया है, यानी मिनट का समय हो गया है जब अंदर मुलाकात जो है वो चल रही है। ठीक है। और क्योंकि अनेकों हैं, जैसा अभी आपने सुना कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किन मुद्दों को लेकर के मुलाकात हो सकती है, और जो अयोध्या में जो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है और उसको लेकर के जो सिरसा में एक बड़ा आयोजन किया गया है सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की, उसको लेकर के भी अपने यहाँ विचार रख सकते हैं और आगे की क्या रूपरेखा रहेगी उसके बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जहाँ एक तरफ INDIA गठबंधन जो है लगातार सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है और जिस तरह चंडीगढ़ में कल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ, एक मेयर और दो डिप्टी मेयर की बात हुई, इस तरह से अब HLP जो हरियाणा लोकहित पार्टी है हरियाणा किस तरह से NDA के साथ काम कर पाएगी, आगे आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने से अपनी भूमिका अदा कर सकती है, इन सभी विषयों को लेकर के बातचीत जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के समक्ष सकते हैं। और जहाँ तक जो सिरसा में मेडिकल कॉलेज की बात है, उस मेडिकल कॉलेज को लेकर मुख्यमंत्री जरूर घोषणा भी कर चुके हैं और निर्माण कार्य को लेकर के भी जल्दी ही उनकी शुरुआत की भी लेकिन अब मेडिकल कॉलेज, क्योंकि हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज इस समय सरकार की तरफ जा रहे हैं और सिरसा में भी इसका निर्माण कार्य होना है, तो जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो और इसको लेकर के यहाँ पर अपनी बातचीत रखेंगे। और इसके अलावा अनेकों मुद्दे होते हैं, सड़क, बिजली, पानी या कोई भवन ना हो या कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो गरीब हित के भी होते हैं, जिसमें BPL परिवारों को प्लॉट दिलाने की बात हो, क्योंकि लगातार इस तरह से विधायक गोपाल कांडा हर अंत्योदय परिवार तक पहुंचते हैं ताकि अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। इसलिए हम समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से वो मुलाकात करते रहते हैं और आज की मुलाकात कितनी अहम है, कितनी देर और चलने वाली है ये देखना होगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट का जरूर समय हो चुका है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस समय विधायक गोपाल कांडा की मुलाकात का। और इस समय आप जो देख रहे हैं संत कबीर कुटीर निवास अंदर इस समय मुलाकात चल रही है, कितनी देर और चलने वाली है ये जरूर देखना होगा। और खासकर हम जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री से आज की मुलाकात है उस मुलाकात में क्या कुछ सिरसा वासियों को सौगात आज मुख्यमंत्री की तरफ से विधायक गोपाल कांडा को दी जाती है, और या जिन समस्याओं को आज विधायक गोपाल कांडा पहुंचे हैं उनमें कितनी समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री ने मौके पर ही किया है। कि अक्सर हम देखते हैं राजश्री, जब भी मुख्यमंत्री से मुलाकात सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की होती है तो उस समय ही उन अधिकारियों को फोन भी कर दिए जाते हैं जिन अधिकारियों के पास वो समस्याएं अटकी हैं। अब ऐसे में आज की समस्याओं को लेकर के क्या कुछ किन अधिकारियों के पहले जो है रुकी हुई है, जिस तरह मेडिकल कॉलेज की बात हुई, मेडिकल कॉलेज का जो निर्माण कार्य होना है उसको लेकर के कहाँ वो जो फाइल है वो अटकी हुई है, जिस तरह से वो अभी तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। तो यदि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद स्वयं अगर किसी भी काम के लिए फोन कर देते हैं तो उस काम की जो गति है वो और तेज हो जाती है। इसलिए विधायक गोपाल कांडा मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं ताकि उस गति को और तेजी से किया जाए और ताकि सिरसा में जो विकास कार्य की जो गंगा है वो तेजी से बह सके, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर लगातार तत्पर रहते हैं विधायक गोपाल कांडा। तब भी जब भी उनके पास कोई विधायक के पास कोई भी सिरसा के लोग किसी भी समस्या को लेकर पहुंचते हैं तो वो उस समस्या के समाधान करने की तुरंत कोशिश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब भी
जनसंवाद के कार्यक्रम उनके होते हैं या वैसे उनके कार्यक्रम होते हैं तो जो जनता की जो भीड़ है सिरसा वासियों की, हाँ, वो एक उम्मीद से वो उनके पास पहुंचते हैं कि उनकी समस्या का जो समाधान है वो गोपाल कांडा ही कर सकते हैं, इसलिए है। लगातार वो पहुंचते रहते हैं। और आज की जो मुलाकात है वो कितनी अहम, हाँ, रहने वाली है राजश्री, ये हम जरूर सिरसा से विधायक, हाँ, गोपाल कांडा से पूछेंगे और कितनी देर और मुलाकात चलती है ये भी देखना होगा। बिल्कुल, बने रहेगा हमारे साथ गुलशन। और अमित तिवारी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, एक तरह से देखिए, इससे पहले भी दिल्ली में जब गोपाल कांडा यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करते हुए नजर आए थे, उसका आउटपुट भी देखने को मिला था। जैसा कि गुलशन भी अभी कह रहे थे कि अगर कुछ काम अगर चल रहा है सिरसा में, एक बार से अगर वो बात चली जाती है विधायक के माध्यम से सीएम तक, तो उस काम में तेजी आ जाती है, तो उसके परिणाम भी सामने आए कई बार इस तरह के मुलाकातों के बाद। निश्चित रूप से राजश्री, जब विधायक होता है इलाके का जनप्रतिनिधि और वो अपनी समस्याओं को लेकर गंभीर हो, अपने इलाके की समस्याओं को लेकर वो अपने पहलकदमी करता है, उठाता है उन्हें, चाहे विधानसभा की बात हो या फिर मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने की बात हो, तो लगातार एक कोशिश जो है वो विधायक गोपाल कांडा ने की है। और देखिए, मुख्यमंत्री का पिछला दौरा जब सिरसा में हुआ था तो वो ऑटो मार्केट के व्यवसायियों से खुद उन्होंने टेबल पर बैठकर आमने सामने बातचीत की थी कि इस ऑटो मार्केट का विकास कैसे किया जा सकता है और क्या क्या इसमें जो बिंदु है उन पर मुख्यमंत्री ने सीधे रूप में चर्चा की थी। और एक बहुत बड़ा मसला था थेड़ विस्थापितों का। दरअसल जो थेड़ पर पुरातत्व विभाग ने अपना अपने संरक्षण में उसे ले लिया था, तो उसके बाद कुछ विस्थापित परिवार थे जिन्हें जो अस्थायी तौर पर बसाया गया था, लेकिन उनके लिए कोई इंतजाम नहीं थे। तो एक कोशिश विधायक गोपाल कांडा ने की, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी ने हालांकि कहा था कि 50 बेड के दे, लेकिन विधायक गोपाल कांडा कहते हैं इसलिए 100 बेड के प्लॉट जो है दिए जाएंगे, तो ऐसे में उन्हें भी प्लॉट दिए जाने हैं, उनका उनके हाथ में उनके कागजात रखे जाने हैं। इसके अलावा बाबा सरसाईनाथ के नाम पर, दरअसल सिरसा में मेडिकल कॉलेज की अनाउंसमेंट तो हो गई थी और खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरुक्षेत्र में आए जब कार्यक्रम में, तो उस समय उन्होंने वर्चुअली इसका शिलान्यास किया था। उसके बाद गोपाल कांडा ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री को और इस बात की एक अपील की कि जो बाबा सरसाईनाथ है, सिरसा के संस्थापक हैं, प्रधान संत हैं, उनके नाम पर, बाबा सरसाईनाथ के नाम पर यह मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इस प्रस्ताव, हाँ, को भी मुख्यमंत्री ने सहज स्वीकार किया और देखिए बाबा सरसाईनाथ के नाम पर इस बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया गया है और अब उसका निर्माण कार्य होना है। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण जो तीन जो महत्वपूर्ण मैंने बताए हैं मसले वो सिरसा के, इसके अलावा नहरी पानी को लेकर भी कुछ गांवों की दिक्कतें हैं, जिसमें भंगूर माइनर का एक मामला है वो काफी समय से लंबित है। इसके अलावा कई जगह जो जो पेयजल योजनाएं हैं उनको पूरा करवाया जाना है, तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण मसले हैं। और एक जो जैसे सीवरेज का पानी का है, निस्तारण का मसला, पानी के निकास का मामला है जल भराव के दौरान, तो ऐसे कई मामले हैं जिनको पुरजोर ढंग से उठाया गया है। और अब मुख्यमंत्री से मुलाकात के मायने कई तरह से निकलते हैं, पहला अपनी समस्याओं को लेकर, दूसरा आगामी चुनाव को लेकर किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए और अपने इलाके को किस प्रकार से उस चुनाव कैंपेन में शामिल किया जाए और एनडीए सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया जाए, और साथ साथ जो नए देखिए नए हर दिन अपडेट होती है राजनीति, हर दिन कुछ न कुछ चलता रहता है, हाँ, उनको लेकर भी चर्चा करना, तो ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने हैं और कई बिंदुओं पर इस मुलाकात के और अमित जी, इन प्रयासों का पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो आम जनता या सिरसा वासियों में भी देखने को मिलता होगा कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय, जब केवल सिरसा की बात ही ना की जाए, क्योंकि देखिए हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा का एक कद है, उनका करीब अगर बात करें तो लोग सिरसा लोकसभा क्षेत्र, हिसार लोकसभा क्षेत्र में उनकी अपनी एक पहचान है और वे अपनी एक छवि रखते हैं और उनके कहने से जो मतदाता प्रभावित भी होता रहता है, ऐसे कई मामलों में देखा है, चाहे रतिया उपचुनाव की बात हो, आदमपुर उपचुनाव की बात हो, ऐसे में गोपाल कांडा की एक बड़ी भूमिका वहां रही है, तो इस भूमिका को नजरअंदाज कोई भी नहीं करना चाहेगा। और खासतौर पर देखिए वे सरकार में बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, तो एक अपने आप में उनकी बड़ी भूमिका है। ऐसे में अब जब चुनावी मोड में सरकारें होती हैं और चुनाव में जब सरकार ने जाना है और खुद 2 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो ऐसे में कई तरह के जो तथ्य काम करते हैं, कई तरह के मुद्दे होते हैं, ऐसे में तमाम जो सहयोगी होते हैं उनके साथ मेल मिलाप, उनके मुद्दों पर चर्चा, उनकी समस्याओं को
समाधान और उस क्षेत्र में उनकी भूमिका, उनकी ड्यूटी किस प्रकार से लगाई जाए, तो ऐसे तमाम मसलों को लेकर चर्चा हो रही होगी निश्चित रूप से। हालांकि हो सकता है कि गोपाल कांडा जब मुलाकात करके बाहर आए तो वो केवल यही कहे कि वे सिरसा के मुद्दों को लेकर मिले हैं, लेकिन ऐसे कई मुद्दे होते हैं जिनका खुलासा जो है मीडिया के सामने तत्काल नहीं किया जा सकता। ऐसे मुद्दे भविष्य में होते हैं, भविष्य के की राजनीति को तय करते हैं, तो ऐसे में इस मुलाकात के भी कई मायने हैं राजश्री, जो आने वाले समय में उनको स्पष्ट किया जा सकेगा। जी राजश्री, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। गुलशन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो सिरसा विधायक के सीएम से मुलाकात चल रही है, 4:43 के लगभग सीएम आवास में पहुंचे और फिलहाल ये मुलाकात चल रही है संत कबीर कुटीर में, ये बातचीत हो रही है।